हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बीए पार्ट थर्ड का हिस्ट्री फर्स्ट का पेपर लेके आया हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आपके जो पीछे के पेपर हुए हुए हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिवाइज होते रहते हैं, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और इसके अलावा जो और आपके पेपर होने वाले हैं वो मैंने अलग से बीए पार्ट थर्ड की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहो तो उनको देख सकते हो। उसके बाद देखो, आपका जो पेपर होने वाला है आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, सबको पता है। और आपका जो 50% करना है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पेपर पैटर्न के नाम से लिंक है, तो उसमें मतलब आपको इन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको पेपर किस तरह से करना है। मतलब आपको कोई भी पेपर हो, आपको 50 नंबर का करना है, किसी भी तरह से आप छोटे वाले कर रहे हो, बड़े वाले कर रहे हो, कैसे भी करके आपको मिला के 50 नंबर का पेपर करना है। इसमें देखो आपका जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना। इसमें देखो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अलीनगर की संधि की कोई 2 शर्त बताइए। उसके बाद देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद देखो, श्री रंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। पंचशील से क्या तात्पर्य है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। आपका जो ये अब जो पेपर आएगा इसमें ये टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं एक एक नंबर के, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन हो गए। इसमें कुछ ये एक पार्ट और ऐड किया हुआ है, इसके अंदर देखो आपके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आपके उस पार्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे, इस पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखो, स्वराज दल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। गृह शासन आंदोलन क्या था। गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखो, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट क्या थी। युवा बंगाल आंदोलन क्या था। रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। लखनऊ समझौता क्या था। स्वदेशी आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन का महत्व बताइए। तो इस तरह से आपके देखो टोटल आपके ये 20 नंबर का, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी 20 नंबर का आएगा, सेकेंड क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर का आएगा। मतलब अगर आप ये दोनों क्वेश्चन करते हो उसके बाद आपको एक बड़े वाला क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर आप ये दोनों नहीं करके, इनके टोटल क्वेश्चन नहीं करके आप 3 बड़े वाले कर देते हो तो वो भी आपका सही है, क्योंकि आपका 60 नंबर का पेपर हो जाएगा और आपको करना होता है 50 नंबर का। इसमें देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हालांकि ये नंबर 21, 22, 23, 24 ऐसे दे रखे हैं, तो आपका ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आएंगे। देखो इसमें आपका जो 60 नंबर का पेपर होने वाला है, ये 3 क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के 60 नंबर के आएंगे। तो इसमें देखो, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों और इसके परिणामों की व्याख्या करो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। बक्सर ने प्लासी के कार्य को पूरा किया, व्याख्या कीजिए। उसके बाद देखो, धन निष्कासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और भारत में इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण, महत्व और परिणामों की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखो, 1935 के अधिनियम की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अवध का विलय जिन परिस्थितियों में हुआ था उनकी समीक्षा कीजिए। तो इस तरह से मैंने ये एक पेपर लिया है और 2 पेपर मैं एक साथ लेके आया हूँ, तो इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक पेपर में से आपके क्वेश्चन आना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो 2 पेपर मैं इसीलिए साथ लेके आया हूँ, दोनों में से लगभग क्वेश्चन आपके इनमें से ही आ जाएँ। तो इनमें देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के 2 परिणाम लिखने, 1857 की क्रांति के 2 कारण लिखने, कब कहाँ और किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों के नाम लिखिए, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन प्रणाली के किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपके इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 करने होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं ना। इसमें देखो, कालकोठरी की घटना क्या थी, दस्तक से क्या तात्पर्य है, जलियांवाला बाग की घटना क्या थी, असहयोग आंदोलन के कारणों का उल्लेख कीजिए, सहायक संधि प्रथा क्या थी, इलाहाबाद की संधि का महत्व स्पष्ट कीजिए, पंचशील के सिद्धांतों की अवधारणा के बारे में लिखिए, ब्रह्म समाज के बारे में आप क्या जानते हैं, होम रूल आंदोलन क्या था, सरदार पटेल के बारे में लिखना आपको। इसके बाद देखो आपके बड़े वाले क्वेश्चन है,
इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास की मुख्य घटना है, विश्लेषण कीजिए, युद्ध में मराठों की पराजय का कारण बताइए। उसके बाद देखो, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों और अवगुणों पर वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद देखो, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के किन्हीं कारणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखो, 1935 के अधिनियम की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और 1920 के असहयोग आंदोलन के कारणों और परिणामों को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें ये जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की संभावना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने उस पेपर में बताए हैं, 3 यहां पे हैं, 5 क्वेश्चन बता दिए। इन 5ों को तैयार कर लो, आपका पास होने का पूरी तरह से जुगाड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है और इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद मैं जल्दी इसका सेकंड पेपर डालने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।